चोर इस हीरे को उठाया, फिर से घंटियां बजने लगेंगी और एक तेज रोशनी यहां से निकलकर उस पिंजरे से टकराएगी जो सीधा चोर की खोपड़ी पे आके गिर पड़ेगा। ओह, ये पिंजरा ऊपर से गिरेगा तो चोर ससुरा चपट के ऑमलेट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या है? हीरा दागी है मैं। तो क्या हुआ? अबे हीरे में दरार है। हीरे में दरार? क्या बात करते हो, क्यों हार्ट अटैक देना चाहते हो? दिखाई नहीं दे रहा मैं हीरे में दरार है। क्या क्या बोलता क्या है? सुन वापस बोल रहे हैं। हाँ। दिखाई नहीं दे रहा मैं हीरे में दरार है। अबे तो क्या क्या देखता है तुम्हें? हीरे में दरार आ गया। ऐसा नहीं, मुंडे और हीरा एक लेवल पे आना चाहिए। और आगे ऐसा नहीं, सीधा ले लीजिए। अब आ गया निकाल। अब ये हम हीरा हल्के से हटा। रिलैक्स, अंदर डेमोंस्ट्रेशन चल रहा है। भाई साहब मुंडी मत हटाइएगा। क्यों? मुंडी हटाइएगा तो नीचे से पिचकारी निकलेगा। पिचकारी निकलेगा तो ऊपर पिंजरे को छुएगा। पिंजरे को छुएगा तो पिंजरा नीचे आएगा। पिंजरा नीचे आएगा तो आपका फ्राई ऑमलेट हो जाएगा। ये तो मैंने ही बताया था। अरे मुझे कहाँ फंसा दिया? अरे मेरी बात तो पागल है। कितने शर्म की बात है, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की नाक कटवा दी तुम दोनों ने। तुम्हें हीरे की हिफाजत के लिए भेजा था और तुम्हीं लोगों ने उसे चोरी कर लिया। सर ये सरासर झूठ है। सर, हम लोग बाहर सिपाहियों के साथ ड्यूटी कर रहे थे, हम लोग अंदर जाकर चोरी कैसे करेंगे? शायद तुम लोगों को पता नहीं कि अंदर कैमरे लगे हुए थे और हीरा चोरी करते वक्त तुम दोनों की बेवकूफाना तस्वीरें आई हैं उन कैमरों में। सर ये कैसे हो सकता है, आप हमारी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? सर हम लोगों ने चोरी नहीं की है। नहीं, तुम लोगों ने नहीं की है, तुम लोगों के भूत आए थे चोरी करने। मैं आज तक तुम लोगों की छोटी मोटी गलतियों को माफ करता रहा, उन पर पर्दा डालता रहा, लेकिन आज तुम दोनों ने माफी वाली गलती नहीं की है, सजा देने वाली गलती की है। मैं तुम दोनों को सस्पेंड करता हूं और जब तक वो हीरा नहीं मिल जाता तुम दोनों जेल के अंदर रहोगे। अरेस्ट देम। अबे बड़े छोटे, अबे बरवाओगे क्या? अबे इधर आओ। ये हीरा नहीं, बम है बम। तो बिकवाया यार, इसकी जात का मारो कुछ पैसा वैसा मिले यार। अबे इसको बिकवाने के चक्कर में चोर बाजार बिक जाएगा, ये हीरा नहीं बिकेगा। क्यों, क्या कीमत होगी? करोड़ों में बैठेगी। ए बड़े हमको ये हीरा बहुत पसंद आ गया है, इसको आधा आधा काट के बीच वाली उंगली में पहनते हैं। सठिया गया का सराफत भाई, इसे बेचने का कुछ आइडिया बताइए ना। देखो भैया, एक आदमी को मैं भी जानता हूँ, दुनिया की नजरों में वो मूर्ति बनाने वाला आर्टिस्ट है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे चोरी का माल खरीदता है। नाम है उसका जोरावर, वो ही इस हीरे की कीमत दे सकता है। जोरावर, हाँ तुमको तुम्हारा हीरा मिल गया, हमको हमारा माल दे दो। वो अभी नकद और जल्दी हमको निकलना है यहाँ से। अब हीरा तो मिल गया, हीरोइन कहाँ है? कौन हीरोइन? हीरोइन हीरोइन नेहा। अरे क्या बकवास कर रहे हो, हम किसी नेहा बेहा को नहीं जानते हैं। मतलब नेहा तुम्हारे पास नहीं है? बोल दिया नहीं जानते, नहीं जानते। तो शरद जरा बेबी को ला तो। चल भैया। भैया बड़े पहचाना? जाना पहचाना सा चेहरा लग रहा है यार। ये वही है इंस्पेक्टर की बहन। भैया मुझे बचाना। रुक रुक, देखिए भाई साहब, ये लड़की ना मेरी बहन है ना मैं इसका भाई। भैया यानी ये लड़की तुम्हारी बहन नहीं है? अरे कितनी बार बोले मेरी बहन नहीं है। ए इधर आओ, ये आदमी क्या आपका बॉस है? यस। ये क्या पागल है, अंधा है, बहरा है, न सुन रहा है, न समझ रहा है, न देख रहा है? देखा बेबी, तेरे भाइयों को ही तेरी इज्जत की परवाह नहीं है, मुझे दोष मत देना। हाँ, लूटो, बाकी कुछ बचे तो फ्रिज में रख देना। भैया, भैया, छोड़ दो मुझे, भैया जान करो से बचा लो मुझे। हाँ यहाँ हमारी बहन है, बहन है, छोड़ दे मुझे, हमारी बहन है, हमारी बहन है। देखे भाई साहब, हम नेहा को लेकर यहाँ आते हैं, लेकिन हमारी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ नहीं होना चाहिए। चल चुके। आइए, आखिर असली मुजरिम मिल गया आपको? हमें मालूम था सर, एक दिन आप अपने किए पे बहुत पछताएंगे। क्या बात है सर, आप बड़े परेशान लग रहे हैं। ना तो मुझे असली मुजरिम मिला है और ना ही मैं पछता रहा हूं। मैं तो तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारी बहन सीमा को क्या हुआ? सुनिए, क्या हो गया सीमा को? सर सीमा को किसी ने किडनैप कर लिया। क्या? हाँ सर, प्लीज सर, एक दिन के लिए मुझे यहां से छोड़ दीजिए। सर हम लोग सीमा को ढूंढ के अपने आप को दोबारा आपके हवाले कर देंगे सर।
सीमा की फिक्र मुझे भी है, मेरी बेटी की तरह है। मैंने सारी चौकियों में खबर कर दी है, नाकाबंदी पूरे शहर में हो गई है, सीमा को कुछ नहीं होगा। लेकिन सर किडनैप करने वाले कौन है, पता नहीं वो क्या चाहते हैं, भगवान न करे मेरी बहन को अगर कुछ हो गया। सीमा को कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। क्या बात चपल खंचो, वहां खड़े खड़े सूखी इचिया क्या ले रहा है? आए? अबे ठीक से दिखाने दे रहा तो दूसरे भी खोल ले खड़े। खोल खड़े क्यों भाई, तुम लोग इतना हैरानी से क्या देख रहे हो? राम और साम नहीं देखे थे दिलीप कुमार की? अरे हमने भी नहीं देखी थी, उस दिन पहली दफे तुम्हारे लोगों के यहाँ देखी, याद है? करेला करेला क्यों भाई टकले क्यों पहचाना कि नहीं हम दोनों का? याद है उस दिन कोठे में कैसे हम लोग घुमा के दिए थे तुमको? हमारे साथ ठुमका मार के नाच रहे थे, हम रुपया उड़ा रहे, हमारा गिरेबान पकड़ा उठा के हम फेल दिए रहे, याद है? फेल दिए रहे। ओ, वो तुम थे? हाँ हाँ, तुम लोग की जिंदगी में आज तक जो कुछ भी बुरा हुआ है ना उसके पीछे तो थे। और वो हीरा भी हम ही ने चुराया था। तो हीरा कहाँ है? अरे हीरा देखकर तो छूटा है यार, उन लोगों ने कहा है कि नेहा जी को वहाँ पर पहुँचा तो सीमा जी को यहाँ पर पहुँचाएंगे। अर्जुन प्यारे, तुम दोनों के कोई जुड़वा भाई तो नहीं थे? नहीं नहीं सर। बचपन में बिछड़ गए हो? नहीं, नहीं सर। मेले में खो गए हो? बिल्कुल नहीं सर। तो फिर ये कहाँ से आए? अबे खुदा के करम से, ईश्वर की कृपा से और पब्लिक की डिमांड से, आप लोगों के नसीब से आपकी बहन को छुड़ाने आए हैं। यूं समझ लीजिए ये जोरावर का अड्डा है, यहाँ पर सारी मूर्तियां उर्तियां रखी हुई हैं, और हम लोग गाना गाते हुए यहाँ से नहीं, यहाँ सीढ़ियां हैं, यहाँ से नीचे आएंगे, गाना वाना गा के हम उसका मन बहला रखेंगे। ये छोटे, तुम उनको खैनी उनी खिला देना ताकि उनकी खुपड़िया जो है वो पिरा। खिला दिए, खिला दिए। मगर हम लोगों का आना कब होगा भाई? देखो देखो देखो, जैसे हम लोग गाना खत्म करेंगे हम लोग दोनों बोलेंगे धिन तक धिन तक धिन तक। खिड़की है इसे, अबे कहाँ देख रहा है? यहाँ देख, ये जो कांच की खिड़की, इसे फोड़ के अंदर आ जाना। देखो मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगा, अगर तुम दोनों भाग गए तो। ए बड़ा, हम लोग मदद कर रहे हैं, टकले अंकल शक कर रहे हैं। जाओ, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, खुद ही पकड़ लेना जाके। एक मिनट, बुरा मान गए, बैठो बैठो। प्रॉब्लम क्या है ना, अगर तुम लोग नाचोगे गाओगे मेरा भी दिल करेगा, मैं भी नाचूंगा हूं, मुझे ले चलो प्लीज प्लीज। क्या क्या कर रहा है यार? ठीक है, आए दे आए प्लीज। ए भैया, याद है ना कब आने का है? हाँ मालूम है भाई, दिन तक दिन तक। बोलेंगे अभी बोलेंगे। मैं बोल 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 भैया बस। ए क्या है, तुम क्या अपने आप को मुगले आजम हम लोग का अनारकली समझता है? कितना नचा रहा है? आप चाहेंगे तो हम रोज आकर आपके पास नाच जाएंगे, एक घंटा सुबह एक घंटा शाम, लेकिन अभी तो जाने दो यार। जाके नाचो वरना गोली मार दूंगा। बहुत गलत बात है यार, पुराने जमाने में लोग नाचते थे उनको सोना चांदी मिलता था। आप हमको बंदूक दिखा रहे हैं तो अच्छी बात है। बहुत तो क्या, बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ हम कह रहे हैं, एक मिनट के अंदर इज्जत से जाने दो वरना। वरना क्या कर लेगा तू? वरना नाचेंगे। कीना पुलिस वाली हरकत, अबे कभी तो टाइम पर पहुंचा करो यार तुम लोग, नचा नचा के हमारी हालत खराब कर दी थी, थोड़ी और देर करते तो हमारी लाश मिलती यहाँ पर तुमको। अरे मरे तो नहीं, आखिर आ गए ना? अबे आखिर में कहा को यार, पहले कहा ही नहीं आए, जब देखो आखिर में आते हो और ऐसे बोलो जैसे आके एहसान कर दियो हम पे। ए छोटे, जाए दे जाए दे जाए दे, कौन सा हमने इनके साथ सारा जीवन बिताना है? जाते हैं भैया, कहा सुना माफ करना। हाँ जय राम जी की, जय राम जी की। आजा छोटे आजा आजा आजा। आखिर ए चल के कुछ आखिर बोल रहा है, आखिर बोल रहा है। ये आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? वो चोर है, हम पुलिस। पहले कह रहा है कि वक्त पे आते नहीं वो लोग, तो हम क्या करें? आखिरी दिन हो जाता है, मर जाते एकदम हम लोग। ये क्या है, इतना हैरान होकर मत देखिए, आपका जब वो है ना वही नहीं है, वो है। हाँ उस दिन सुनार की दुकान पे आप हमी को उठा कर ले गए थे, उसके बाद घर ले जाकर जो केक खिलाया, खाना खिलाया, बहुत मजा था। अब मैं आपका कैसे शुक्रिया देता हूँ, मेरे भाई ना होते हुए भी आपने मेरी जान बचाई। अरे कैसी बातें कर रही हैं, दरअसल क्या है कि हमारा इस दुनिया में कोई है नहीं, उस दिन जब प्यार से आपने हमें अपना भाई बनाया तो हमारे अंदर न जाने कितने सितार बजे, हमें लगा कि हमें आपकी मदद कर ही देनी चाहिए सब। और दरअसल हम लोग धोखे में अच्छा काम कर गए, एक्चुअली हम लोग अच्छे लोग हैं नहीं। चल बड़े चल छोटे।
तो रावण साहब आ गए। हमारी वैन सबसे अलग क्यों जा रही? कहीं किसी स्पेशल जेल तो नहीं ले जा रहे? क्या हुआ भाई, क्यों गाड़ी क्यों रोक दी है? आगे दो लाशें पड़ी है। हम लाश नहीं हैं। ए भाई साहब, थक गए इसलिए ऐसे लग रहे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, तनिक अपना गाड़ी में हमको रेलवे स्टेशन तक लिफ्ट दे दीजिएगा। बड़े हाँ, ये पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अंदर जो आदमी खड़ा है वो जोरावर टाइप लग रहा है। लग नहीं रहा है, अब फिर पुलिस को धोखा दे दिया है। बड़ा ठीठ आदमी है, हमारी कुंडली से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। छोटे के पास आइए, जो लातों से पीटना चाहते हैं उधर। अरे अरे हाथ तक पहुंचे, कैसे मार 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 सामने आ। ओ इंटरनेशनल, इले दरवाजा, इले दूसरा दरवाजा, इला ये मुक्का और ये अगराई अगराई। थोड़ा हमसे भी खेल लीजिए स्लो मोशन में। कबड्डी 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 हमारी है, हमारी कबड्डी।